एक होता है लक्स मीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे लाइट कितनी ब्राइट है उसकी इंटेंसिटी नापी जा सकती है। सो मैं आपको ये प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। लक्स मीटर में दिख रहा है जो रेटिंग आ रही है अराउंड 270 275, तो तीन हाई बीम हो गई हैं इसमें ऑन वन साइड, उधर मिला के 6 हाई बीम्स। एक्सपी एलईडी प्रोजेक्टर जो इसमें लग रहे हैं, इसमें भी देखो हमने एक्सपी के प्रोजेक्टर लगाए थे विद रिंग वाली डीआरएल। अंदर डीमन आई भी इंस्टॉल करी है, ये क्रेटा आई हुई है, इसके लॉयज बहुत सही लग रहे हैं। What is up guys, welcome back to the channel and welcome back to another video। पहली बार मैंने अभी माइक नहीं लगाया हुआ है तो आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी। सो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी ऑटोबॉट्स, मुझे अभी पता लगा कि वहाँ पे आई हुई है स्कॉर्पियो N, तो वैसे तो उसमें और भी काम होना है बट जो एक मेजर चीज़ है जो मुझे लगा कि मुझे शूट करनी चाहिए एंड आप सब लोगों को दिखानी चाहिए, वो है कि उसकी हेडलाइट जो है अपग्रेड हो रही है। ज़िनॉन ब्रांड के प्रोजेक्टर लग रहे हैं LED वाले, लेजर वाले। सो आई थॉट ओके लेट्स गो एंड शूट दिस शॉर्ट व्लॉग, और मेरे को आपको उसका आउटपुट भी दिखाना चाहिए बिकॉज नई गाड़ी है, नई गाड़ी में लग रहे हैं, देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। बाकी उस पर ग्रेफीन कोटिंग भी हो रही है और विंडोज भी टिंट हो रही हैं जिसमें हीट प्रोटेक्शन होती है, तो जब तक मैं पहुंचूंगा वो काम तो आई थिंक हो चुका होगा या आई थिंक ऑलमोस्ट डन ही होगा, बट द मेन थिंग इज हेडलाइट प्रोजेक्टर्स। तो चलो चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस अब मैं पहुंचा हूं ऑटोबॉट्स, शाम के आई थिंक 7:30-8 बज रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ अंदर क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नई वाली क्रेटा आई हुई है, पूरी डैम्प हो रही है, ठीक है। सो पूरी गाड़ी डैम्प हुई है एंड इसमें होपफुली ऑडियो अपग्रेड भी हो ही रहा होगा। प्लस हियर इज द मेन अट्रैक्शन, द न्यू स्कॉर्पियो N, ये आई हुई है ग्रेफीन कोटिंग के लिए, ब्रांड न्यू कार। मैं भी एक्चुअली इन पर्सन पहली बार ही देख रहा हूँ। एंड चेक आउट द शाइन मैन, बहुत ही अमेजिंग। यू कैन एक्चुअली सी माय रिफ्लेक्शन, वाओ। और अभी तो कंप्लीट नहीं हुई है, हेडलाइट्स भी खुली हुई है, बट चेक आउट द शाइन यार, अमेजिंग। और वो भैया इस पे इसका स्टिकर लगा रहे हैं, सो ब्लू स्टिकर है, दिस इज प्रॉब्ली पेट्रोल वेरिएंट, डीजल होता तो येलो स्टिकर होता। चेक आउट द इंटीरियर, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। एंड अगर इस पे आप हल्का सा हाथ लगाना, वैसे तो ग्रेफीन कोट का अलाउड नहीं होता बट बहुत हल्का, इट्स लाइक बटर स्मूथ मैन। स्कॉर्पियो N और यू कैन कॉल इट स्कॉर्पियन। प्लस एक चीज और देखो, जो क्रेटा आई हुई है इसके लॉयज बहुत सही लग रहे हैं। सो रियली लाइक द लॉयज, आई थिंक दीज आर 18 और 19 इंचेस। लेट्स सी व्हाट इज द टायर साइज, ओ दीज आर 20s मैन, वाओ आर 20, बट बहुत सही लग रहे हैं लॉयज। सो गाइस अभी अभी मुझे अली भैया ने बताया कि ये सारा जो ऑडियो सेटअप यहाँ पड़ा हुआ है सारा क्रेटा में लगना है। सो आई कैन सी अ सबवूफर, कंपोनेंट्स और एम्प भी दिख रहा है मुझे, पॉड्स पड़े हुए हैं, इसमें भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। सो ये सारा ऑडियो सेटअप क्रेटा में लगना है। एनीवेज लेट्स गो बैक टू द स्कॉर्पियो जिसकी वीडियो है। सो अगेन मैंने अभी करण भैया से पूछा था, उन्होंने बताया कि फ़िलहाल इस पर ग्रेफीन कोटिंग हुई है और इसकी सारी विंडो जो हैं वो टिंट हुई हैं 3M की विद हीट प्रोटेक्शन वाली जो फिल्म होती है, क्योंकि आप बाहर से देखो तो इतना पता नहीं लगेगा, यही टिंट भी हुई है, एवरीथिंग इज़ विजिबल क्लियरली, राइट। बट ये सन रेज की जो मतलब हीट होती है, यूवी रेज होती है, उसको ब्लॉक करती है। तो अंदर अगेन आपको जैसे एक तो आई डोंट नो आप सबने नोटिस किया कि नहीं किया, जब धूप में गाड़ी चलाते हैं स्पेशली जो आपकी राइट आर्म होती है उधर जो ड्राइवर साइड पे जो विंडो के पास होती है, उसमें जब धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्म और हीट फील होती है, और मेरी पर्सनली तो बाजू ना टैन हो गई है राइट वाली स्पेशली। तो ये फिल्म उस हीट को भी रोकेगी और यूवी रेस को भी रोकेगी और अंदर जो गाड़ी की है ना उतनी हीट प्रोड्यूस होने नहीं देगी। सो दिस स्टेज लाइक अंदर का टेम्परेचर है वो कूलर रहेगा नॉर्मल विदाउट टिंटेड गाड़ी से, ये तो खैर सबको पता ही है, बट जिसमें हीट प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है वो फिल्म उसको और बेटर करती है। प्लस इसमें जो
लाइटें उतरी हुई हैं, वो इसलिए उतर रही हैं क्योंकि इसकी हेडलाइट अपग्रेड हो रही हैं, XP LED लग रहे हैं सर प्रोजेक्टर। तो आज गाड़ी आई है, कल भी आई हैं, तो कल लगेंगे अगेन, जब लग जाएंगे तब आपको दिखाऊंगा। अभी लाइटें खोल के रखी हुई हैं, ये देखो ये पड़ी हैं लाइटें, ठीक है। और प्रोजेक्टर इसमें आते हैं, बट उसे हटा के इसमें XP LED के प्रोजेक्टर लगेंगे। सो लेट्स वेट फॉर दैट, एंड जब लग जाएंगी हेडलाइट्स, प्रोजेक्टर लग जाएंगे, तो अगेन आपको आउटपुट दिखाऊंगा। और भी अगर इसमें कुछ होना हुआ तो विल शो यू, एंड एंड में बताऊंगा कि सारे जो काम हुआ है, ग्राफीन कोटिंग, विंडो टेंट्स और हेडलाइट या और भी कुछ होगा, तो इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा। द नेक्स्ट डे, सो वी विल डू द नेक्स्ट डे, स्कॉर्पियो इज स्टिल हियर। अब इसका हेडलाइट का काम शुरू हो गया है, देखो अभी लगे हुए हैं। तो एक लाइट जो है वो डिसअसेंबल हो रही है, और ये पड़े हैं XP LED प्रोजेक्टर जो इसमें लग रहे हैं। सो अगेन दीज आर बाई बीम एंड लेज़र एज वेल। ऊपर जो छोटा लेंस है ये हाई बीम असिस्ट के लिए है, ये डेडिकेटेड हाई बीम है लेज़र वाली, नीचे वाला भी हाई बीम पे जाता है। सो ये लग रहे हैं, एक हेडलाइट ये पड़ी हुई है, एक ये देखो ये काम चल रहा है। तो इनको कर लेने देते हैं, जब हो जाएगा हेडलाइट लग जाएगी तब आपको रात को इसका आउटपुट चेक करवाता हूँ। प्लस वी ऑल्सो हैव अ महिंद्रा थार, इसमें भी देखो हमने XP के प्रोजेक्टर लगाए थे विद रिंग वाली DRL, तो ये जब जलती है ना ये भी बहुत अमेजिंग लगती है। Many unbearable hours later. So here it is guys, the car is almost done. हेडलाइट में प्रोजेक्टर लग गए हैं, हेडलाइट भी फिट हो गई हैं, बस फाइनल एडजस्टमेंट हो रही है, उसके बाद बम्पर वापस ऊपर लगा के एंड उसके बाद गाड़ी को फाइनली पैक कर देंगे। और बाहर भी शाम होने वाली है, रात होने वाली है, उसके बाद आपको एक बार इसको बाहर निकाल के रोड पे भी इसका आउटपुट चेकआउट करवा देता हूँ। सो हियर इट इज गाइस, फाइनली द कार इज कंप्लीट, एंड एज यू कैन सी हमने इसकी जो लेंसेज है उसके अंदर डीमन आई भी इंस्टॉल करी है। ये देखो अगेन दिस RGB, यू कैन सेलेक्ट एनी कलर यू वांट फ्रॉम योर मोबाइल ऐप। एंड इफ यू आस्किंग द कार इज लुकिंग प्रिटी ग्रेट, ये देखो। बाकी एक बार अंदर भी आपको इसका आउटपुट जो है वो मैं चेकआउट करवा देता हूँ। ये देखो सामने ये बीम पैटर्न है, एंड अगेन दिस LED, तो सब कुछ इंस्टेंट है, एंड दिस इज हाई बीम। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में अब 3 हाई बीम्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। या तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देन आपको ज़्यादा ईजी होगा बताना। देखो जो ये लेंस है बड़े वाला, वो भी हाई बीम पे जा रहा है, जो ऊपर छोटा लेंस दिख रहा है वो भी ऑन हो रहा है, और गाड़ी की जो डेडिकेटेड हाई बीम है वो भी ऑन हो रही है। तो 3 हाई बीम हो गई हैं इसमें ऑन वन साइड, उधर मिला के 6 हाई बीम्स। सो अब बाहर अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला है, थोड़ी थोड़ी एजेंसी अभी लाइट है, एक बार अंधेरा हो जाए तो गाड़ी को बाहर निकालते हैं, उसका आपको आउटपुट मैं चेकआउट करवा देता हूँ। ओके पीपल, सो आई एम इनसाइड द कार राइट नाउ, Scorpio N। बाहर देख लो कितना अंधेरा है, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो थोड़ी सी सड़क पे लाइट है जो कि यहाँ इधर गेट से आ रही है और घरों से आ रही है। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं रखी क्योंकि DRL जब ऑन होते हैं तो थोड़ी लाइट उसकी भी आ जाती है। तो ये देखो ये सड़क पे अब जो थोड़ी लाइट आ रही है ये DRL की है, ठीक है। तो अब मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ, अगेन LED है प्रोजेक्टर तो इंस्टेंट है, ये देखो। सो इंस्टेंटली स्प्रेड आपके सामने है, एक बार ऑफ करता हूँ एंड हाई बीम चेकआउट करो, है अमेजिंग। सो लो बीम एज यू कैन सी सामने वाले के आई लेवल से नीचे है, और दिस इज फुल्ली एडजस्टेबल, यहाँ पे जो वो होता है इसका एडजस्टर, ये देखो ये रहा। तो अगर मैं इसको ऊपर उठाना चाहूँ, ये देखो ये आ गई ऊपर, नीचे करना चाहूँ सो इट कैन गो डाउन, तो अब ये 0 पे सेट कर दिया है एंड चेक आउट द हाई बीम। सो एज यू कैन सी गाइस, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल, सामने से जो बंदा आ रहा है उसके देख लो फेस पे लो बीम नहीं जा रही, देख लो इसका कट ऑफ इतना तगड़ा होता है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि आंखों में पड़ेगी, नहीं, वो सिर्फ तभी पड़ेगी जब आप हाई बीम पे चलाओगे, एंड हाई बीम इज ओनली मेंट फॉर हाईवे ड्राइविंग। अब देखो और देखो, बेचारे को अपना मुँह नीचे करना पड़ गया,
सो दैट इज द मेन थिंग. बाकी एक बार गाड़ी यहीं पे चलते हुए आपको वो दिखा देता हूँ कैसी इसकी जो अलाइनमेंट है. स्प्रेड कैसा है इसका सब आपके सामने है. यहाँ पे भी आई बीम का बहुत बढ़िया एग्जांपल आएगा. ये देखो सो गाइस बिफोर आई एंड दिस वीडियो मुझे आपको एक चीज और दिखानी है. एक होता है लक्स मीटर. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे लाइट कितनी ब्राइट है उसकी इंटेंसिटी नापी जा सकती है. तो मुझे आपको ये चीज दिखानी है जो हमने स्कॉर्पियो एन का जो प्रोजेक्टर चेंज किया है इसका स्टॉक प्रोजेक्टर अभी जला के दिखाते हैं. लक्स मीटर से उसकी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी नापेंगे. उसके बाद हमने जो इसमें एक्सपी एलईडी लगाया है उसको जला के उसकी इंटेंसिटी नापेंगे. सो बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि कितना फर्क है दोनों में. मैं भी पहली बार करने जा रहा हूँ. मुझे भी नहीं पता कितना डिफरेंस आएगा भी या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से आना चाहिए क्योंकि रियल लाइफ में जो आउटपुट है बहुत अमेजिंग है. सो मैं आपको ये प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा. सो लेट मी शो यू. सो गाइस ये है स्कॉर्पियो का प्रोजेक्टर जो इसकी हेडलाइट्स हमने निकाला है. दिस इज स्टॉक प्रोजेक्टर, ठीक है. अब सामने इसको देखो, सामने इसकी लाइट पड़ रही है. करण भाई के हाथ में लक्स मीटर है. अभी मैं उसके पीछे जाता हूँ और जो इसकी रीडिंग आएगी वो आपको दिखाते हैं अभी. ओके पीपल, सो हियर इट इज. एज यू कैन सी जो इसका लक्स मीटर में दिख रहा है जो रेटिंग आ रही है अराउंड 270-275. थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखते हैं कहाँ बेस्ट आती है. ये देखो ये और कम हो गई. इसका नीचे करते हैं बिल्कुल उसकी फोकस लाइन पे. 270 275 307 सो गाइस मैक्सिमम जो गया है जो मैंने देखा इट वाज अराउंड 320-330 330 तक मैक्स गया है, ठीक है. अब देखते हैं एक्सपी एलईडी का. सो गाइस ये है एक्सपी एलईडी जो हमने उसमें लगाया था विद लेजर हाई बीम. सो गाइस नाउ यू कैन सी इस टाइम अब एक्सपी एलईडी चल रहा है सामने और रेटिंग देखो 5400 आ रही है उसकी सिर्फ 300 थी. वी आर एग्जैक्टली एट द सेम स्पॉट. हमने बॉटल रखी हुई है यहीं पे पहले बैठ के नापा था उसको भी. सेम डिस्टेंस है 5800. ओ माई गॉड उसकी 310 से ओ शिट 6000 देख रहे हो लक्स रेटिंग 6000 जा रही है उसकी 310 से ऊपर नहीं गई थी. सो ये डिफरेंस है. सेम स्पॉट पे बैठे हैं सेम डिस्टेंस है. सो पीपल वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. जो ये दोनों ही प्रोजेक्टर हैं दोनों ही एलईडी हैं तो कुछ लोगों को ना ये भी एक डाउट रहता है कि हमारी गाड़ी में ऑलरेडी एलईडी प्रोजेक्टर है तो हम उसे हटा के वापस एक और एलईडी क्यों लगवाएं. डिफरेंस आपके सामने है स्कॉर्पियो एन का एलईडी प्रोजेक्टर कितना लक्स आ रहा था और हमारा एक्सपी का जो एलईडी प्रोजेक्टर है उसका देखा आपने. मतलब कहाँ 300-310 कहाँ 6000. अब आप ब्राइटनेस सोच लो किस लेवल की है. विद प्रूफ आपको दिखाया मैंने. इसमें कोई टैम्परिंग नहीं हो सकती कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. तो वही है बलिनो वगैरह और भी कई गाड़ियों में एलईडी प्रोजेक्टर आ रहे हैं लेकिन उनकी जो ब्राइटनेस है और हमारे इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस आप मैच नहीं कर सकते. सो यार दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइज. अब बात कर लेते हैं खर्चे की. तो टोटल खर्चा वैसे स्कॉर्पियो एन में जो आया है जो जितना काम हुआ अराउंड 70,000 जिसमें से अराउंड 38,000 तो सिर्फ हेडलाइट्स का ही है. बाकी जो ग्राफीन कोटिंग हुई और विंडो टिंटिंग हुई उसका है. तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो कोई कमेंट्स हो पुट इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड रिप्लाई यू. सो अगेन इस वीडियो को एंड करते हैं. कैच इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. पीस आउट.